यहाँ पे आप देख सकते हैं आधी जग चुका है ब्रश, उसके साइड में पड़ा हुआ है तो ब्रश भी हो चुका है। और अब जाना है उस बाथरूम में अपने को रेडी करने के लिए। ये आदि की नोटबुक है जिसमें आदि अब वर्क करने वाला है, वर्क करेगा स्ट्रॉबेरी जूस पीने के बाद। तो हम चलते हैं किचन में और आदि के लिए बनाते हैं स्ट्रॉबेरी जूस। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं लड्डू रेडी हो चुका है और साथ में रखा हुआ है ये दूध का ग्लास लड्डू के पास। तो ये फर्स्टली लड्डू को भोग लगा दिया है जो मैंने रोज से डाल के दूध रेडी किया है। और आज के स्पेशल है, आज है निर्जला एकादशी तो हम उसकी अलग से पूजा भी करेंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर चौकी भी लगा दी है छोटी सी। तो पहले हम नॉर्मल पूजा कर लेते हैं और लड्डू को दूध का भोग लगा दिया, अब आदि को दे देते हैं ये आदि का स्ट्रॉबेरी जूस। तो बने रहिएगा, जैसे जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और चलिए देखिए मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, मैंने ये तुलसी की लकड़ी से बाती बनाई है और इन बाती से इकट्ठे बंडल बना दिया है। आज के दिन इन्हें जलाने का एक विशेष महत्व होता है, मैंने सुना है जैसे एक जलाओगे तो 1000 के बराबर है, तो मैंने 11 ली हैं तो 11000 के इक्वल दीपक का फल प्राप्त होता है। और प्रभु हरि की सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे। तो अभी जो मैं विशेष पूजा करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन जो मैंने जैसे ही जोत जलाने के लिए डब्बी खोली तो मुझे लगा आप सबको मैं ये दिखा देती हूँ। और यहाँ पे कर लीजिए मेरी जोत के दर्शन, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो की स्टार्टिंग मॉर्निंग से होने जा रही है और हम सब यहाँ पर हैप्पी और हेल्दी हैं, अपना डेली वर्क में लगे हुए हैं। आई होप सो आप भी हैप्पी और हेल्दी होंगे और अपना डेली वर्क में लगे हुए होंगे। जैसे कि आज है निर्जला एकादशी तो मैं नॉर्मल पूजा कर चुकी हूँ, मोस्टली वर्क घर के हो चुके हैं, लेकिन नाश्ता अभी किसी ने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि पूजा रहती है और कल थी कुछ ईद वगैरह का प्रोग्राम था, वो ईद उल फितर थी या ईद उल जोहा, ये मुझे क्लियर नहीं है, जोहा थी मे भी। तो इसीलिए कल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मार्केट में अवेलेबल बहुत रेयर थे और फ्रूट्स नहीं मिल पाए, तो अभी फ्रूट्स देखने गए हुए हैं। क्योंकि एकादशी की पूजा कैसे होती है, क्या करते हैं, हर जगह का अपना अलग देखिए रिचुअल्स होते हैं, तो हम लोगों के यहाँ कैसे होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने छोटी सी चौकी तो लगा दी है, फ्लावर्स इकट्ठे कर लिए हैं, पंखे ऑलरेडी आ चुके हैं, हैंड फैन, पंखे बोलोगे क्या है, हैंड फैन, तो ये एक लोकल लैंग्वेज है पंखे। तो अभी बस पूजा बाकी है, खरबूजे मतलब जो भी सीजन के फ्रूट्स होते हैं तो उसमें खरबूजे, मैंगो और जो भी आप रखना चाहते हैं और फल वो हो जाएंगे। और आज के दिन ना मतलब बेवरेजेज पेय पदार्थों का विशेष महत्व होता है क्योंकि निर्जला एकादशी है। तो वो आदि को तो मैं दे चुकी हूँ और लड्डू गोपाल को भोग लगा चुकी हूँ, रूह अफजा बनाया था मतलब दूध वाला तो वो दे दिया है। और देखिए मेरा गर्मी की वजह से तिलक कहाँ पे जा रहा है। तो ये हो गया है और अभी मुझे सभी बड़ों को, ताऊ जी, पापा, मम्मी, दीदी, चाचा, चाची जी, मतलब चाची जी, चाचा जी, सबको ही देना है और बच्चों को भी बाद में, बल्कि मैंने भावना को भी बोल दिया है कि आना दोपहर में पिला दूँगी। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे हम लोगों के यहाँ ये रिचुअल्स किए जाते हैं। तो चलिए अभी बने रहिए, आटा लगा के रख दिया है नाश्ते के लिए, रात मैंने राजमा बनाया था तो थोड़ा वो रखा हुआ है, नाश्ते में वही चल जाएगा, लेकिन पहले पूजा तो हो जाए ना और फ्रूट्स मिल जाए। तो अपना प्यार, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स बनाए रखिए और देखिए हम लोगों के यहाँ निर्जला एकादशी पे कैसे पूजा की जाती है और क्या हम लोग करते हैं। देखिए मैंने तैयारी कर ली है पूजा की, बस अभी ककड़ी नहीं मिल पा रही है और खरबूजा, तो इन दो चीज़ों का महत्व होता है। ये है जो मैं बोल रही थी ना पंखा, हैंड फैन, तो ये रख लिए हैं, जोड़ा होता है ये देखिए दोनों हैं, साथ में मैंने लड्डू गोपाल को बिठा लिया है। यहाँ पे मैंने खीरे, आम पापा की वजह से रखा है, पपीता क्योंकि पापा पपीता ही खा पाएंगे, सिंदूर, क्लेचर और बिंदी अभी यही है, कड़े वगैरह मैं जब देने जाऊंगी तब रख लूंगी, दक्षिणा। और साथ में बनाने जा रही हूँ मैं थोड़ा रूह अफजा,
तो ये सब निर्जला एकादशी को हम लोगों के यहाँ अपने बड़ों को दिया ही दिया जाता है। आप इसे बढ़ा तो सकते हो, मैंने तो बहुत मिनिमम लेवल पे किया, मतलब कुछ इतना ज़्यादा नहीं किया, नहीं बहुत से तो बहुत ज़्यादा दान्य पुण्य करते हैं। और क्या है कि इसका भंडारा टाइप भी चलाते हैं कि हाँ पेयजल पिला रहे हैं, मतलब जैसे शरबत वगैरह पिलाते हैं ना रोड पे, तो बहुत पुण्य होता है। तो चलिए बने रहिए, अभी वो आ जाएं तब हम पूजा करते हैं। और साथ ही मैंने एक चीज़ और रेडी की है जो मुझे मेन शेयर करनी थी, वो है ये दिया जो कि मैंने मेन तुलसी दल से ही बनाया है, देख सकते हैं। और इनकी जोत जलानी है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। तो जब मुझे पता चला मैंने सोचा मैं भी ज़रूर से जलाती हूँ, और ये सौभाग्य मिल रहा है और मेरे पास है तो मैं क्यों छोड़ूँ। तो चलिए, आपने क्या कुछ किया प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चीनी को डाला हुआ है इसमें लोटे में, तो मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बना रही हूँ अभी। अगर पिएंगे तो फिर दोबारा बना दूँगी, ये मुझे बस इसमें पूजा में रखना है थोड़ा, उसके लिए बना रही हूँ अभी। तो ये देखिए मेरी पूजा का पूरा सामान ये मैंने बना दिया है यहाँ पे, ये रूह अफजा भी, और पूरा सामान रेडी कर दिया है। तो अब मैं ये जोत जलाने वाली हूँ, और इसी जोत का महत्व आज के दिन मैंने सुना है, श्री हरि स्वीकार करें। और आप कैसे पूजा करते हैं प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए मैं ये पूजा वगैरह संपन्न कर देती हूँ, मिलते हैं उसके बाद। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए मैंने चाचा जी के यहाँ सामान डाला है, पॉलिथीन में पैक कर दिया है, और ये बहुत बड़ा काम था एक जो हमारा हो चुका है, और टाइम हुआ है अभी 9 o'clock। तो चलिए मैंने अब सब्जी भी निकाल ली है, अब मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ता। आटा लगा ही रखा है तो मुझे पराठे बनाने हैं। पूछती हूँ चाय पीएंगे कि नहीं पीएंगे, और मैंने सबको छोटे बड़े बच्चे, और फ्रिज से मैंने सब्जी भी निकाल के ये रखी है, और मैंने इसको छन्नी रखी थी लेकिन आदि में तार ही उसको लेके गया है। अभी आप सब जो कि मैं खुला ही रखती हूँ, मैं खुला नहीं रखती हूँ, तो मैंने सबको डिस्पोजल में लेके गई थी, मैं सबको जूस पिला दिया, जूस किया वो शरबत पिला दिया है। और आज के दिन इसी का महत्व होता है। और आप सब क्या करते हैं, कैसे होता है आपके यहाँ? वैसे देखिए हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर मतलब जगह का अलग हो जाता है। जहाँ ये चेंज हुआ तो अपने रिचुअल्स भी थोड़ा चेंज हो ही जाता है। तो आपके यहाँ कैसा होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। देखिए रेडी हो चुका है हमारा नाश्ता, ये मैंने पूरी सेकी है, और सेक के पूरी दोबारा से, किस किस को पसंद है, मुझे तो बेहद पसंद है। मुझे बल्कि जो फ्रेश बनती हैं उनसे अच्छी लगती हैं, वो गर्म गर्म पूरी खाने से मुझे ऐसे बासी पूरी तवे पे सेक के बेहद पसंद है। ये मैंने पराठे बनाए हैं, ये सब्जी है रात वाली, चाय ऑलरेडी ग्लास में रेडी हो चुकी है। तो आइए आप सब भी नाश्ता कीजिए, और टाइम में भी हो रखा है 10 o'clock। तो चलिए जल्दी से नाश्ता करके फिर जाना है चाची जी की साइड, उन्हें भी उनका सामान दे के आना है। तो बने रहिएगा, आगे जैसे जो भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए मेरा लंच रेडी है, आज मैंने बनाई है साबूदाना खिचड़ी। कुछ भी हैवी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, इन्होंने कहा कुछ हल्का बना लो, चावल भी नहीं बन सकते क्योंकि आज एकादशी है। तो मैंने रेडी किया था शाम के लिए कि फलाहार बनाऊँगी, लेकिन अभी मुझे साबूदाना खिचड़ी बनाना पड़े। और इत्तेफाक से सारी चीज़ें थी आज, तो रेसिपी मैं ऑलरेडी कई बार शेयर कर चुकी हूँ, नहीं ले पाई। और अभी मैं जा रही थी सर्व करने, तो चलो मैंने कहा आप लोगों के साथ सर्व कर देती हूँ और दिखा देती हूँ कि आज मैंने बनाई साबूदाना खिचड़ी, और मुझे तो मेरी फैमिली को बेहद पसंद है। किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मैं आदि को इन्हें सर्व करती हूँ साबूदाना खिचड़ी, और आइए इंजॉय कीजिए। कभी फिर बोलें मैंने नहीं बोला है तो प्लीज़। और चलिए फिर मिलते हैं लंच के बाद। शाम का टाइम हो चुका है, हम आ चुके हैं किचन में, और यहाँ पे मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए। और ये देखिए मैंने टमाटर कर लिया है चॉप, और साथ ही इंडक्शन पर रख रही हूँ मैं चाय बनने के लिए। दो हरी मिर्च कट की हैं बारीक बारीक, ये क्या होने जा रहा है। तो ये बनने जा रहा है यहाँ पर मैक्रोनी, मैक्रोनी मैंने ऑलरेडी बॉयल कर ली है,
और ये मैक्रोनिया जाति की वजह से बन रही है विदाउट प्याज, क्योंकि आज है एकादशी, एकादशी में प्याज हम लोग नहीं खाते हैं और आज तो वैसे भी बड़ी एकादशी है, तो बस आज हम देसी स्टाइल टेम्परेरी मैक्रोनी बन रही हैं। बच्चे सारे हैप्पी हैप्पी हैं, मैं बच्चों को नहीं उनकी खुशी लेना चाहती हूँ उनसे, तो चलिए बनाते हैं काम चलाऊ मैक्रोनी। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे मसाले, हल्दी, सौंफ, धनिया पाउडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, हींग और हल्की सी देगी मिर्च ऐड कर ली है टमाटो पे। और अब मैं ये डालने जा रही हूँ पैन में, साथ ही मिक्स करके ऐड कर दूँगी मैं मैक्रोनी। चाय में दूध ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, वॉल्यूम हो रही थी इंडक्शन की तो इसलिए मैंने अभी उसे वहीं पे ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए पहले मैक्रोनी रेडी करते हैं फिर करेंगे चाय। तो जीरा हो चुका है ब्राउन और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपल स्पाइसी से भी अपने टेस्ट से मैक्रोनी रेडी कर ली है और कलर भी बड़ा फाइन आया है। मुझे मतलब खुशी है कि मैं बच्चों को, बच्चों की इच्छा थी कि हम मैक्रोनी खाएँ और मैंने बोला भी एक बार तो बोल दिया, फिर मैंने कहा चलो अच्छा मैं विदाउट प्याज ही बना लेती हूँ। तो देखिए कितने टेस्टी से मैक्रोनी बनकर रेडी हुई है। तो आइए आप सब भी इंजॉय कीजिए इवनिंग टी विद स्नैक्स, और ऐसा ना मस्ती टाइम में ही होता है। तो अब बच्चे बोल रहे हैं हमें जाना होएगा, हमारे मतलब काकू के स्कूल थोड़ा जल्दी ओपन हो रहे हैं, तो चलिए ठीक है मैं बोल रही फिर बाद में आ जाना। इस बार वैसे भी काकू का तो 12th है, रिया का तो चलो 12th हो गया है, तो मैं वीडियो में नहीं ले पा रही हूँ, समझ सकते हैं। जब बच्चे बच्चों को लगेगा हमें आना है तो मैं उन्हें दिखाऊंगी, नहीं ऐसे आदि के साथ मस्ती करते हुए। अभी आज कैरम भी खेला हम लोगों ने बैठ के, लेकिन मैं कैरम का नहीं ले पाई हूँ बिल्कुल भी। एक तो आदि थोड़ी देर में तो हो जाता है कि रिया काकू को मेरे पास बिठाओ, और थोड़ी देर बाद ही हो जाता है मुझे इनके साथ नहीं खेलना है। और ये बचपन किस किस को याद आता है, किस किस को मामा के घर छुट्टियां याद हैं, मैं तो बड़ा मिस कर रही थी और मतलब मुझे रोना भी आ रहा था। हम आ चुके हैं किचन में और हम बना कर रहे हैं डिनर की तैयारी। तो मैंने कुकर में डाल दिया है, साथ में डाल दिया है जीरा, और प्लीज़ जो ये वॉल्यूम आ रही है इसे इग्नोर कीजिएगा। आधी छत पे प्रिया काकू के साथ मस्ती में लगा हुआ है, तो मैं बना रही हूँ आलू लौकी, टमाटर भी कट किए हैं, सारे मसाले ऐड कर लिए हैं जैसे मैं डालती हूँ। और पहले हमने मैक्रोनी बनाई और खाई ना, तो हम थोड़ा लेट हो गया खाने के लिए, भूख तो लगी नहीं है लेकिन बनाने में लेट हो गया, तो कोई नहीं चलिए ये तो चलता रहता है। और ये देखिए हमारा डिनर रेडी है, तो यहाँ पर मैंने होटल स्टाइल ये देखिए मिर्च बनाई है, बहुत ही टेस्टी सी बनी हुई है ये, इसमें कोई शक नहीं है। ये है आलू लौकी की सब्जी, ये है दही और दही आदि के लिए है, सब से मिर्च लगे। तो चलिए अब देना करते हैं, डिनर करते हैं। अब किसी एक प्राणी का नहीं है ये, हम जितने भी जन्मभूमि में बैठे हैं सबके हैं, सब ने जैसे एक दो दो रोटी के लिए बोला गर्मी की वजह से। अभी हमने थोड़े टाइम पहले मैक्रोनी भी खाई थी और बोला मामी इकट्ठी रहा क्या जाओ सब हो जाएगा, तो चलिए अब चलते हैं देना करते हैं। बच्चे अंदर वेट कर रहे हैं, बाय बाय मिलते हैं बाद में। और यहाँ पे खाना पीना हो चुका है, मैं बर्तन वगैरह सब क्लीन कर चुकी हूँ, आदि सो चुका है, रिया काकू नीचे सोने के लिए जा चुके हैं। तो सुबह से चली आ रही इस वीडियो को, मुझे लगा विराम दे देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। तो आज मैंने कैरम वगैरह खेला बच्चों ने मस्ती की, लेकिन वीडियो क्लिप नहीं ले पाई बिकॉज ऑफ आदि, आदि नहीं चाहता था वीडियो क्लिप ले जाए। तो हम चारों खेले थे, मैं भी थी साथ में, आदि, रिया काकू। आदि को थोड़ा वर्क भी कराया है, थोड़ा क्या काफ़ी करा दिया है, बस मैथ्स का वर्क रहता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि कितना कुछ वर्क हो पाया है, क्योंकि अगर वीडियो बनाने चलूँ तो वो फिर वर्क नहीं करता है, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। डिनर में मैंने बनाई थी सिंपल एकदम आलू लौकी, सबने हैप्पी हैप्पी खाई है। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।